हम यहाँ नहीं घुसने देंगे, कोई प्रोग्राम नहीं होने। हम ये तीन आदमी हैं जो पराला, बबली और निशान सिंह, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होते। हमारी लाशों के ऊपर जाकर ये प्रॉब्लम कर लेंगे, लेकिन हम प्रॉब्लम नहीं करने देंगे क्योंकि हम मरे तो पड़े ही हैं। चाहे लॉकडाउन हो या फिर कोरोना संक्रमण, किसानों के आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो टोहाना की ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को शहर के सिविल अस्पताल में दिव्यांग बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करना था, मगर जब किसानों को कार्यक्रम की खबर मिली तो तुरंत सभी हाथ में काले झंडे लेकर विरोध करने अस्पताल के बाहर जमा हो गए। काफी देर तक इंतजार किया, सरकार और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की, मगर देवेंद्र बबली को शायद खबर मिल गई थी कि किसान अस्पताल के बाहर जमा हो गए हैं, लिहाजा वो कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। घर से आ भी गए थे, लेकिन जैसे ही किसानों को उसकी सूचना मिली तो किसान हॉस्पिटल की तरफ दौड़े और देवेंद्र बबली अपनी गाड़ी सीधी निकाल करके कहीं और ले गया। और किसान आज आपके सामने खड़े हैं काले झंडे लिए, उनका स्वागत कर रहे हैं काले झंडों के साथ, जबकि हमें पहले ही किसान मोर्चे ने ये आह्वान कर रखा है कि आप कोई गाँव में प्रोग्राम न करें, कोई भी बीजेपी और जेजेपी का नेता को किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं होने देगा। उसके बावजूद भी कल भी इन्होंने 2 तारीख को किसान में जो प्रोग्राम रखा है, हमने उसका पहले भी विरोध किया और कल हम किसी भी सूरत में प्रोग्राम नहीं होने देंगे, लेकिन ये जानबूझकर के सोच समझ जाल के तहत किसानों में और प्रशासन में आपस में लड़ाना चाहते हैं, ऐसा किसान होने नहीं देंगे और किसी नेता का प्रोग्राम हम नहीं होने देंगे। जब से तीनों कृषि कानून संसद में पास हुए हैं, तभी से किसानों ने प्रदेश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। किसान मोर्चे ऐलान कर चुके हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, किसी भी बीजेपी जेजेपी नेता को कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। किसानों ने इस दौरान ऐलान किया है कि वो देवेंद्र बबली के 2 जून को होने वाले कार्यक्रम का भी विरोध करेंगे और 5 जून को देवेंद्र बबली सुभाष बराला के घरों का भी घेराव जरूर करेंगे। उसको संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि 5 मई को हम सुबह 8 बजे पक्का किसान मोर्चा पर इकट्ठे होंगे, पहले बबली के घर का घेराव कर किया जाएगा और बाहर जो है काले कानूनों की पत्तियां जलाई जाएंगी, और उसके बाद बराला के घर का घेराव किया जाएगा और वहां भी जो काले कानूनों की पत्तियां जलाई जाएगी। जो इसका कल का प्रोग्राम है वो हमने मीडिया में भी भेज दिया है, हमने कल मीटिंग में फैसला ले लिया था कि कल 2 तारीख को जो रेस्ट हाउस में प्रोग्राम करेगा हम नहीं होने देंगे। हम ये तीन आदमी हैं जो पराला, बबली और निशान सिंह, इनका कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होते। हमारी लाशों के ऊपर जाकर ये प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे क्योंकि हम मरे तो पड़े ही हैं। जब जमीनें जाने लग रही हैं, रोजगार जाने लग रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म होने लग रहा है, तो हम इनको ड्रामे करने देंगे? किसान मोर्चे का आह्वान है, कोई भी राजनीतिक आदमी पार्टी होंगे जैसे जेजेपी के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई भी प्रोग्राम नहीं करने, वो ड्रामे रच करके किसानों के बीच में दरार पैदा करके वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, एक जानबूझ करके लड़ाई पैदा करना चाहते हैं। हमने बार बार इनको सिताया है कि आप लोग मत आइए। बहरहाल किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 2 जून को विश्राम गृह में विकास कार्यों को लेकर होने वाली बैठक में भी देवेंद्र बबली का विरोध किया जाएगा और 5 जून को किसान बीजेपी जेजेपी नेताओं के घरों का घेराव कर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।